नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, इसी महीने से मिलेगी धान एमएसपी की अंतर राशि। 19 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 6,000 करोड़ की राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। मंत्री ने बताया कि सूची तैयार हो गई है, जल्द ही रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में जमा होगी। औरंगाबाद जाने वाली ट्रेन हादसे में मजदूरों की मौत, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने जताया दुख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर घायल है। मारे गए प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इस हादसे और मजदूरों की मौत पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख जताया है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, बिना किसी भेदभाव के विश्व भर में मानवता के कल्याण एवं सदैव सेवा हेतु तत्पर रहने का संदेश अपने आप में समेटे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम सबको प्रेरित करता है। हमें हमेशा संकट के समय में सब कुछ त्याग कर सभी की जान बचाने हेतु समर्पित रहना चाहिए। आज के समय में इसकी अधिक आवश्यकता है। महाराष्ट्र में बढ़ सकता है लॉकडाउन का समय, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सर्वदलीय नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि राज्य के कोरोना रेड जोन में मई के अंत तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। 16 मजदूरों के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी रेलवे पटरियों के सहारे से जा रहे थे अपने घर। महाराष्ट्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, 16 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना औरंगाबाद जिले की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर चुका हूं, वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, हर संभव मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल यूपी न आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा कर प्रदेश वापस न लौटे। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान पंजाब में हुआ क्रैश, जांच के आदेश। पंजाब के जालंधर के पास वायुसेना बेस का एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान भरने वाली MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। जियो को मिला तीसरा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर, जियो को 3 हफ्ते में तीसरा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर मिला है। विस्टा जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी के साथ 11,367 करोड़ रुपए निवेश करेगा। वंदे भारत मिशन का आज दूसरा दिन, आज सिंगापुर ढाका से आएंगे भारतीय। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज दिल्ली और कलकत्ता में कई देशों से भारतीय लौटेंगे। सिंगापुर ढाका और रियाद से फ्लाइट आएंगी। इससे पहले गुरुवार को एयर इंडिया के 2 विमान से 363 भारतीयों को वापस लाया गया। विराट ने किया खाली स्टेडियम में क्रिकेट के आयोजन का समर्थन। विराट कोहली ने कहा, यह संभव हो सकता है, शायद यही होगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं जानता कि हर कोई इसे कैसे लेने वाला है, क्योंकि हम सभी इतने सारे जुनूनी प्रशंसकों के सामने खेलने के आदि हैं। शाहरुख खान की वेब सीरीज बेताल का ट्रेलर हुआ रिलीज। बेताल की कहानी एक गांव की है, जहां 2 दशक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नल बेताल अपनी जोंबियों की फौज के साथ वापस लौट आता है। बेताल के ट्रेलर को लेकर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो के अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।